हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुनिए जो आईटी पे यहां पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि पेयर ऑफ टेंशन का कंसेप्ट क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पोल एंड पोलर इनको हम कैसे निकालते हैं, ये सब आप देखने वाले हैं। तो सुन देखिए, देखिए यहां पे सबसे पहले बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट। अगर हमारे पास पैराबोला दे रखा है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, इलिप्स ले लो या हाइपरबोला ले लो या फिर पैराबोला ले लो, सब में जो कंसेप्ट होता है पेयर ऑफ टेंजेंट का वो सेम टू सेम होता है। यहां पे भी हमारे पास एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, वहां पर भी एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता था। तो सुन यहां पे हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास एक्स वन वाई वन पॉइंट दे रखा है और आपके पास पैराबोला की इक्वेशन पता है तो आप आराम से यहां पर उसका पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। सुन यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, एस जो होगा, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी वो एस हो जाएगा। एस वन उस पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, तो जहां पर भी x है वहां पे x1 और जहां y वहां y1 रख देंगे तो ये हमारे पास s1 आ जाएगा। इस t जो होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, y स्क्वायर वहां पे y y1 लिखेंगे और इसको आधा करेंगे 2ax माइनस x1, इसको इस तरह से लिख देंगे, राइट। तो ये हमारे पास t आ जाता है, फिर इन सब की वैल्यू उठा के यहां रख देंगे एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। इसमें देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक पैराबोला दे रखा है और आपको यहां पर 1,3 पे इसका पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। तो सुनिए x1 y1 दे रखा है तो सबसे हम जानते हैं कि यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है s s1 is equal to t square। सबसे हम s की वैल्यू निकालेंगे तो यार s तो हमारे पास y square minus 4x हो जाएगा। s1 निकालेंगे तो ये पॉइंट उठा के यहां रख दीजिए, तो सुनिए पॉइंट उठा के यहां रखेंगे तो चलो मैं एक बार लिख लेता हूं, ये आएगा वाई वन स्क्वायर माइनस फोर एक्स वन, तो वाई वन की वैल्यू हमारे पास 3 है तो ये 9 हो जाएगा, माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 5। इसमें यहां निकलेंगे t है ना, और t की वैल्यू क्या होती है, इसमें हम जानते हैं वाई वाई वन माइनस टू, ये आएगा x प्लस एक्स वन। इसमें क्या करते हैं, इसको इधर लेंगे तो इसको आधा करेंगे और x प्लस एक्स वन ले लेंगे। इसमें जहां पर एक्स वन है वहां पर 3 और 1 है और जहां पर वाई वन है वहां पर 3 रखेंगे तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास 3y माइनस का 2 x प्लस वन हो जाएगा। तो सुन ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो सुन s की वैल्यू हमारे पास आ रही है y स्क्वायर माइनस फोर एक्स, सुन s1 हमारे पास 5 आ रहा है एंड ये आ रहा है हमारे पास 3y माइनस टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एंड स्टूडेंट इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो यार इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजिली हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। सुन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे सुन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, अगर हम जानते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट, जैसे मैंने आपको मान लीजिए ये हमारे पास एक पैराबोला दे रखा और मान लीजिए यहाँ से हमने इसका टेंजेंट खींचा ना, ये हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट है जो कि हमने यहाँ पे खींची, राइट। तो इन दोनों पॉइंट को जो मिलाते हैं ये हमारे पास क्या होता है, सुन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, जो कि जो हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट होता है उस पॉइंट को मिलाने पर जो हमारे पास कोड मिलती है उसको बोलते हैं हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सुन मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये एक्स वन वाई वन है, तो यार अगर हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स अगर पैराबोला दे रखा है तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन वही होगा टी इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इसको अगर हम इज्जत से लिखें एक बार तो पहले मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स लिखेंगे तो ये आएगा वाई वाई वन माइनस टू ए एक्स प्लस एक्स वन आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ये एक्स वन वाई वन उठा के रख दीजिए आपके पास यहाँ पे इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के बारे में कि यार हमारे पास दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स और आपको ये बोला जा रहा है कि 1, 2, 3 पे इसके कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकालिए, तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि अगर t इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो y y1 माइनस ये आधा होगा एंड यहाँ हो जाएगा x प्लस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो। जहाँ पर y y1 है वहाँ पे 3 रखेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पे 2 रखेंगे, x1 है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो सुन इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा 3y माइनस 3 बाई 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू जीरो, एंड इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो यार इस तरह से बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बात करेंगे पोल एंड पोलर का कंसेप्ट क्या होता है। इसमें पोल एंड पोलर का कंसेप्ट हम लोग ने यहाँ पे एलिप्स में भी पढ़ा है, देन हाइपरबोला में पढ़ा है एंड देन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वही का वही कंसेप्ट है। अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे पोल अगर गिवन है तो उसकी पोलर की इक्वेशन जो होती है वो एक्जैक्टली टेंजेंट की इक्वेशन टाइप की होती है, टी इज इक्वल टू जीरो होता है, बस जो पॉइंट होता है वो हमारे पास बाहर लाई करता है ना, ये एक्स वन वाई वन जो होगा वो बाहर की तरफ लाई करेगा। तो इसमें आपसे बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन, तो अगर एक्स वन वाई वन है तो अगर हमें इसकी पोलर की इक्वेशन निकालनी है, ये हमारे पास पोल दे रखा है तो इसकी इक्वेशन हमारे पास ये होगी जो कि टेंजेंट की इक्वेशन की टाइप का ही होता है। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स पे आपको 1,2 पे इसकी पोलर की इक्वेशन निकालनी है तो इसमें क्या लिखेंगे, इसको वाई वाई वन और इसको इधर ले आइए और इसको आधा कर दीजिए तो ये आएगा एक्स प्लस एक्स वन हो जाएगा, है ना, आधा करके इसको ऐसा कर देते बराबर जीरो।
बराबर जीरो कर देंगे राइट. इसमें जहाँ पर x1 y1 आप वैल्यू रख दीजिए तो y1 की जगह 2 रख देंगे है ना, और यहाँ पर x 1 बाई टू है और ये आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो. इसको सिंप्लीफाई करिए तो 2y या एक काम करो, सबसे बेस्ट ये कि इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा हमारे पास 4y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो. तो यार ये हमारे पास क्या आएगी, इसके पोलर की इक्वेशन आ जाएगी है ना. बहुत इजीली हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं इसमें बात करते हैं कॉर्ड ऑफ पैराबोला हुज मिडल पॉइंट इज गिवन. तो यार यहाँ पे जो इक्वेशन होती है वो टी इज इक्वल टू एस वन होती है राइट. अल्टीमेटली हमने इलिप्स में भी ये देखा था और हाइपरबोला में भी हमने ये देखा था, वहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन होती थी राइट. तो अगर हमारे पास कॉर्ड ऑफ पैराबोला हुज मिडल पॉइंट इज गिवन, तो मिडिल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे x1 y1 है, तो यहाँ पे हमारे पास कोड की इक्वेशन क्या होगी, तो t इज इक्वल टू एस वन होती है. इसमें t हम जानते हैं टेंजेंट की इक्वेशन होती है, s1 वो पॉइंट पे मतलब पॉइंट रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास क्या आएगा, इसमें s1 होगा राइट. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये बोला जा रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, आपसे बोला जा रहा है द इक्वेशन ऑफ कोड हुज मिडिल पॉइंट इज 1, 2 ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्सिस. तो इसमें हमारे पास ये क्या होता है, इसमें t इज इक्वल टू क्या होता है, s1 होता है. इसमें t हमारे पास क्या हो जाएगा, हम जानते हैं ये होता है वाई वाई वन, इसको इधर लेके आधा करिए इंटू एक्स प्लस एक्स वन हो जाएगा और यहाँ पे पॉइंट रख देंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर वन स्क्वायर माइनस एट एक्स वन. अब ये एक्स वन वाई वन वन कोमा टू उठा के यहाँ रख दीजिए. इसमें जब रखेंगे तो यार ये होगा हमारे पास टू वाई माइनस का फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ रखेंगे तो ये आएगा फोर माइनस का एट हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू वाई माइनस का फोर एक्स माइनस का फोर इज इक्वल टू माइनस का फोर हो जाएगा. माइनस का फोर से माइनस पर का फोर कैंसिल, तो टू वाई माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो. इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन कोड ऑफ पैराबोला हुज मिडल पॉइंट इज गिवन राइट. तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. सुन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोल ऑफ द लाइन वाई इज इक्वल टू टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स. अब हमारे पास यहाँ पे एक पोल के रेस्पेक्ट में एक लाइन दे रखी है, दैट इज हमारे पास पोलर की इक्वेशन दे रखी है. तो आपको पोल निकालना कि यार वो जो x1 y1 पॉइंट होगा वो क्या होगा. तो इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि पोल की जो इक्वेशन होती है वो एक्जैक्टली टेंजेंट की इक्वेशन ही होती है. हम जानते हैं t इज इक्वल टू जीरो टाइप का ही होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा वाई वाई वन माइनस, इसको आधा कर दीजिए, यह आएगा एक्स प्लस एक्स वन इज इक्वल टू जीरो होगा. इसमें हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई वाई वन, चलो इसको उधर ही ले जाते हैं, तो टू एक्स माइनस टू एक्स वन हो जाएगा. अब इसको हम इससे कंपेयर करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है राइट. सो सुनो इसको हम कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन एक ही है. तो हमारे पास यहाँ पे y का कोफिशिएंट y1 है और यहाँ पे हमारे पास इसका कोफिशिएंट 1 है. इस टाइप से यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 अपॉन 2 है. यहाँ पे कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, माइनस का 2x1 और यहाँ पे 0 आ रही है राइट. अब हम जानते हैं इसमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 1 आ जाएगी. और अगर हम बराबर इसको k मान लें और इसको सॉल्व करें तो यार जीरो उधर जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन जीरो आ जाएगी. तो जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सुन जीरो कोमा वन, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा, इसका पोल आ जाएगा. तो इस तरह से यहाँ पे इसको बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं. सुन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द लोकस ऑफ मिडल पॉइंट ऑफ द ऑल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स विच आर ड्रॉन थ्रू द वर्टेक्सेस. तो इसमें आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे मिडल पॉइंट के साथ जो लोकस निकालना है, अल्टीमेटली कॉर्ड का आपको लोकस निकालना है. तो अल्टीमेटली एक्स वन वाई वन पॉइंट हम यहाँ पे मिडल पॉइंट लेते हैं एंड देन इसकी कॉर्ड की इक्वेशन निकालते हैं. अब आपको क्या करना है, इसमें इसका लोकस निकालना. तो आपको ये दे रखा है कि जो भी इसका कॉर्ड है जो मिडल पॉइंट से पास हो रहा है वो वर्टेक्स के से भी क्या हो रहा है, पास हो रहा है. तो हम उसके थ्रू यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन को मतलब इसकी लोकस को निकालने की कोशिश करेंगे. तो सर हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास ऐसा होता है तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, टी इज इक्वल टू एस वन होती है राइट, है ना. कॉर्ड ऑफ पैराबोला हुज मिडल पॉइंट इज गिवन, तो वो होती है हमारे पास टी इज इक्वल टू एस वन राइट. तो सुनो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, टेंजेंट हम जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स दे रखा है और पॉइंट मान लीजिए एक्स वन वाई वन, ये इसका क्या है, मिडल पॉइंट है. तो हम जानते हैं ये हमारे पास क्या आएगा, वाई वाई वन माइनस का टू ए एक्स प्लस एक्स वन हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1 होगा. ये तो हमने रख लिया राइट. ये हमारे पास क्या आएगा इसके, ये हमारे पास क्या जाएगा इसके, कोड ऑफ दिस इक्वे दिस पैराबोला व्हेन मिडल पॉइंट x1 y1 इज गिवन राइट. अब आपको ये बोला जा रहा है कि यार ये जो इक्वेशन है ये वर्टेक्स से पास हो रही है. हम जानते हैं कि ये जो पैराबोला इसका वर्टेक्स क्या होता है, जीरो जीरो. सो गिवन है क्या हो रहा है, गिवन है क्या हो रहा है, गिवन दिस इज पासेस थ्रू वर्टेक्स That is at 0, 0, right? तो जिसे 0, 0, जहाँ पर x वहाँ पे 0, जहाँ y वहाँ 0 रख दीजिए. तो इसमें जहाँ पर y वहाँ 0 रखेंगे ये हो जाएगा, इसमें जहाँ पर x वहाँ पे 0 रखेंगे तो भाई साहब ये 0 प्लस x1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये होगा y1 स्क्वायर माइनस का 4ax1 हो जाएगा राइट. इसमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आएगा हमारे पास, इसमें ये आएगा माइनस का 2ax1 इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस का 4ax1 होगा. इसमें ये इधर ले आए तो यार ये y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2ax1 by 1 है
है ना। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका लोकस आ जाएगा। सुन तो एक फिक्स पॉइंट x1 y1 के लिए आ रहा, पर आपको लोकस निकालना, तो जहां पर भी x है, जहां पर y1 है वहां पर y रख देंगे, और जहां पर x है x1 है वहां पर हम x रख देंगे। तो यार ये इसका क्या हो जाएगा, सुन लोकस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 2.5 टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पे हमारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। हम जानते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, सुन एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, सुन एस हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है ना। तो यार ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8x, राइट। एस वन क्या होता है, पॉइंट पर इसकी वैल्यू, तो पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, वाई वन स्क्वायर माइनस 8x1 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी हमारे पास क्या होगा, सुन इसकी टेंजेंट की इक्वेशन वो क्या होती है हमारे पास, वाई वाई वन माइनस इसका आधा करेंगे x प्लस x1 एंड इसका होल स्क्वायर, राइट, ये हमारे पास होता है ना। अब x1 y1 क्या रख देंगे, सुन 2 एंड 5 रख देंगे, तो जहां पर भी x1 वहां पे 2, जहां पे y वहां पे 5, y1 है वहां पे 5 रख देंगे, तो y स्क्वायर माइनस 8x, सुन ये हो जाएगा हमारे पास y1 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस ये हो जाएगा 16 इज इक्वल टू y1 की वैल्यू हमारे पास यहां पे कितनी हो जाएगी, 5y माइनस का 4 ये आएगा x प्लस 2, राइट, का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25, तो आई थिंक 9 हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू, इसमें यहाँ पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5y माइनस 4x माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आप इसके पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सुन ये वाला क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए दे रहा हूँ। आपको बोला जा रहा है कि द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ 1.2 एट पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एस, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको पता लगाना है इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2D के अंदर मैंने आपको स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, पैराबोला, ये सब टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसमें मेरा नया चैनल जहाँ पर CSIR नेट, IIT-JAM, गेट के लिए काफ़ी सारे कंसेप्ट मैं अपलोड कर रहा हूँ, प्लस शॉर्ट रिविजन दे रहा हूँ, इसमें ये मेरा चैनल है, यहाँ पे जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।